अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी खाना। आज मैं बना रहा हूँ आलू अंडे। बहुत ही आसान, बहुत मज़े की रेसिपी है, तो शुरू करते हैं। इसमें मैंने दो टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, उनको मैंने पेस्ट बना लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज वो लिया है, उसको भी मैंने पेस्ट बना लिया। और इसमें मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें वो ऐड करके इसको मैंने एक साथ ही मिक्स कर लिया है। आलू है मैंने, इनको सा क्यूब्स में काट लिया हुआ है। बॉयल एग्स हैं। सबसे पहले मैं इन एग्स को फ्राई करूँगा। 1 कप कुकिंग ऑयल का मैंने कढ़ाई में डाला है। अब मैं इसको हाई फ्लेम पे गरम करूँगा। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसके अंदर बॉयल एग्स ऐड करूँगा। बहुत आराम से मैं इसमें ऐड करूँगा। अब मैं इनको शैलो फ्राई करूँगा और इनको लाइट गोल्डन कलर दूँगा। जब आप ऑयल में एग्स ऐड करें तो साथ इनको आस्ते आस्ते इस टाइम की साइड्स चेंज करते रहें ताकि ये ऑयल के साथ चिपक ना जाए। आप देख सकते हैं एग्स गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर, अब मैं इसमें प्याजों का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो ऐड करूँगा। इसको मैं अच्छी तरह गोल्डन कलर दूंगा, इनको प्याजों को भी फ्राई करूंगा इनको अच्छी तरह। मैं 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगा। मिक्स कर लेंगे इसको भी इसमें। मैं कुछ देर इनको और फ्राई करूंगा, उसके बाद इसमें मैं मसाले ऐड करूंगा। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगा, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च आधी चाय की चम्मच, गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगा। अब मैं इसमें आलू ऐड करूंगा, अच्छी तरह मिक्स कर लूंगा इनको। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च ये ऐड करूंगा और 1/2 चाय का चम्मच हल्दी। अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगा। अब जो मेरे पास टोमेटो पेस्ट पड़ी हुई है वो मैं अब इसमें ऐड करूंगा। अच्छी तरह मिक्स कर लूंगा इसको भी मैं। अब इसको मैं कुछ देर ऐसे पकने दूंगा। आप देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है। अब मैं इसमें 1/2 गिलास पानी का ऐड करूंगा। अब मैं इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगा तकरीबन 10 से 15 मिनट ताकि हमारे जो आलू हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गल जाएं। आलू हमारे बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब मैं इसमें 1 सर्विंग स्पून दही का ऐड करूंगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगा मैं। दही डाल के इसको मैं थोड़ी देर इसको मैं भूनूंगा। भूनने के बाद मैं इसमें अंडे ऐड कर दूंगा। इसमें ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें अंडे ऐड करूँगा और अच्छी तरह मिक्स करूँगा इसको मैं।
इसको मैं 2 से 3 मिनट में इसको मैं उसको पकाऊंगा, उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह हमारे आलू अंडे बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।